हाय गाइस, हाउ आर यू? सॉरी मैं बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि मुझे एक्चुअली आज ही टाइम मिला. सो बिजी शेड्यूल था मेरा, क्लासेस वगैरह थी. अभी मैंने क्लासेस वगैरह फिनिश किया है, मैंने शावर लिया और मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. सो आज कुछ खास प्लान नहीं है, बस ऐसे ही है कि मतलब आज सोचा है कि आज थोड़ा बहुत मोटो ब्लॉग भी डालूंगा, साथ में थोड़ा चलते हुए ऐसे ही बड़ा मैदान ऐसे घूम के आते हैं. आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा. हाँ जानते हैं बहुत बार गया बड़ा मैदान, लेकिन फिर जाना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरा मन हो रहा है और जब मेरा मन होता है तो मतलब होना पड़ता है. फटाफट कीज ले लेते हैं और मास्क ले लेते हैं और क्या क्या ले, पर्स ले लेते हैं और चलिए बस हो गया, और वॉच ले लेते हैं. सो गाइस चलिए घर से निकल चुके हैं और लिफ्ट आने वाला है, जल्दी खोल भाई जल्दी से जल्दी. जी आते हैं, करते हैं नीचे. अभी चलते हैं फटाफट पार्किंग में से गाड़ी निकालते हैं, उसके बाद मिलते हैं. ओके सो गाइस अभी गाड़ी निकाल दिया है और चलते हैं मोटो ब्लॉग सेटअप. तो गाइस चलिए अपना मोटो ब्लॉगिंग शुरू करते हैं. तो गाइस बड़ा मैदान जाने का ऐसा बहुत दिन से मन था लेकिन कोई टाइम नहीं मिला. गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे दोनों हाथ मेरे दोनों हैंडल पे ही है, तो आप लोग ऐसा ना सोचिए कि मैं एक हाथ से पकड़ रहा हूँ. मैंने रॉन्ग मतलब मैं ड्राइव सेफली नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सेफ इसी तरीके से ड्राइव कर रहा हूँ. मेरा दोनों हाथ दोनों स्टीयरिंग पे है एंड सो आप लोग टेंशन ना ले. आई डोंट नो आप लोगों को पता नहीं होगा, लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं ना, मुझे इतना ऑकवर्ड फील हो रहा है कि मैं क्या बोलूँ, बट कोई बात नहीं. लोग का काम है देखना कहना, हमारा काम है तो हमारा काम है वो करना. तो फिक्र नहीं है, चल मेरे एक्चुअली मोटो ब्लॉग के लिए बहुत सारा सेटअप चाहिए होता है, कोप्रो माइक ट्रांसफर एंड एक वो सब अटैचमेंट्स सब देखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो अभी मेरे पास है नहीं. तो करेंटली मैं वो ट्राईपॉड से ही अपना बना रहा हूँ, तो आए मान लो अच्छा लगेगा. एक्चुअली जो आ रहा है मुझे ही देख रहा है, बट कोई बात नहीं चलते. एक्चुअली मेरे घर से बड़ा मैदान ज़्यादा दूर है नहीं, बहुत नज़दीक पे ही है. विद इन आई थिंक 5 मिनट्स ऑन बाइक पहुँच जाऊँगा, बट मैं थोड़ा आराम से चला रहा हूँ क्योंकि आई एम अ मोटो ब्लॉगर एज वेल एज अ नॉर्मल ब्लॉगर. तो मुझे हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एज वेल एज मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, साथ साथ मैं रोड पे भी चल रहा हूँ, तो मुझे हर चीज़ का फॉलो करना होता है, हमेशा वो कॉन्शियस होना पड़ता है. कोई बात, मुझे भी पहले बहुत वो लगता था डर ब्लॉगिंग मोटो ब्लॉगिंग से, बट करता हूँ कर रहा हूँ धीरे धीरे. नर्वस फील होता है बट नॉट अ प्रॉब्लम, इट हैपन समटाइम्स. बट आप लोगों को अगर ये सब चीज़ बहुत पसंद है ब्लॉगिंग मोटो ब्लॉगिंग, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग करो, क्योंकि अपने टाइम वेस्ट मत करो लेकिन अपने एक फ्री शेड्यूल टाइम ये सब ऐड करो, एक्टिविटीज़ है ये, स्किल क्रिएटिंग एक्टिविटीज. सो टॉपिक आ गया अभी, यहाँ से मुझे एक लेफ्ट लेना है मैदान जाने के लिए, शार्प लेफ्ट. और गाइस ये मैदान एंट्री कर रहे हैं हम लोग, शायद आगे से मैदान जाने और बड़ी किस्म की बात है. हम घुसने वाले हैं मेन इंटर बड़ा मैदान एंड ये रहा बड़ा मैदान का स्ट्रेट, बड़ा मैदान जाने वाला रास्ता. आदमी लोगों के रिएक्शंस देख के मुझे इतना हंसी आ रहा है ना कि बहुत पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी लाइक व्हाट. सो गाइस मैं काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर साइड पर गाड़ी साइड में गाड़ी लगाऊंगा. सो गाइस मैं फाइनली बड़ा मैदान पहुँच चुका हूँ, वो देखिए विक्टोरिया मेमोरियल. फ्रेश एयर, फ्रेश फ्रेश सन रेज, एवरीथिंग इज देयर गाइस. सो
मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बड़ो, मुझे गांव वाली फीलिंग आ रही है, विलेज। ये ना हॉर्स गाइस, मज़ा बहुत आ रहा है गाइस। ये वाले ब्लॉग के बाद अगर मुझे 25 लाइक्स और 100 व्यूज़ हो गए तो इसका अगला वाला ब्लॉग विक्टोरिया मेमोरियल में अंदर पूरा ब्लॉग होगा और मज़ा आएगा। सो 25 लाइक्स एंड 100 व्यूज़ कर देना, देन विक्टोरिया मेमोरियल नेक्स्ट वॉक। गाइस एक्चुअली इतना ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि व्लॉगिंग करना सब लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे व्हाट वी आर डूइंग, बट नो प्रॉब्लम, चलता है थोड़ा बहुत। तो यही रहा आपका बड़ा मैदान, और क्या करूँ, अकेले आया हूँ तो कुछ खास नहीं कर सकता, बस चल सकता हूँ, थोड़ी देर बैठ सकता हूँ, धूप खा सकता हूँ। सो ठीक है, फिर तब चलते हैं वापस, कहीं और घूमते हैं एक दो चक्कर मार के मोटो ब्लॉग का। फिर गाड़ी स्टार्ट कर लिए, रिटर्न ले रहे, पीपल रिएक्शन जहाँ पर आकर के पीपल रिएक्शन देखने, मैदान का अच्छा अच्छा व्यूज लेके जाऊँ। चलते हैं गाइस, गाइस व्हाट यू थिंक, शुड आई रेज इट, लेट्स गो। सामने एम्प्टी है, मैं थोड़ा स्पीड दूंगा। गाइस बहुत मज़ा आ रहा है, लोगों का रिएक्शन देख के तो और मुझे मज़ा आ रहा है गाइस। लोगों का रिएक्शन क्या बोलूँ मैं यार, समझो तो मैं आया हूँ यहाँ पर रिएक्शंस के लिए, मुझे इतने अच्छे अच्छे रिएक्शंस मिल रहा है, मुझे हंसी भी आ रहा है और ऑकवर्ड भी फील हो रहा है, बट नो प्रॉब्लम। हम चल रहे हैं वापस वहीं, सो सब लोग कैसे चिल कर रहे हैं साइड में बैठ कर, कोई अकेला है तो कोई कपल्स के साथ है, लेकिन चिल ज़रूर कर रहे हैं गाइस। चलिए हम लोग फटाफट रास्ता क्रॉस कर लेते हैं, वरना अगर कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और चलिए हम लोग रास्ता क्रॉस कर लिए हैं और दम हारते हुए दम चपनी में निकलेंगे एकदम स्पीड में। हाँ चलिए, अब हम लोग को टेंशन नहीं है, हम लोग रास्ता क्लियर हो गया, मेन रोड, अब हम लोग गली कूचा में आ गए हैं, तो कोई टेंशन का बात नहीं है, जैसे कि मैंने कहता हूँ नो प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं सोचा था वापस घर जाने का, लेकिन मैंने सोचा कि सिर्फ घर जाऊँगा तो बहुत छोटा ब्लॉग हो जाएगा, तो मैं सोचता हूँ कि मैं आपको थोड़ा कलकत्ता दर्शन कराता हूँ। तो देखिए मेरा गाड़ी में पेट्रोल डीजल में चल रहा है, ताकि पेट्रोल का दाम तो आपको पता ही है। देखिए चाचा को भूख लग रहा है, माँच बात कर रहे हैं, लग रहा है चाचा का घर में माँच भात बना है, लगता है हमको चाचा के आज घर में माँच भात बना ही है। गाइस मेरा ये पहला मोटो ब्लॉग है, लेकिन पहला मोटो ब्लॉग के हिसाब से मुझे रिएक्शन बहुत अच्छे मिले, मुझे अगर सब कुछ सही लगा तो मैं और भी फ्यूचर में मोटो ब्लॉग करता रहूँगा, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट इतना चाहिए कि पैसा वैसा हो जाए, GoPro ले ले तो अच्छा से, हेलमेट ले ले, माइक्रोफोन ले ले तो और मज़ा आएगा ब्लॉग में, क्या बोलते है कि नहीं। अभी फ़ोन से ब्लॉगिंग करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ से कहाँ जाएंगे, जहाँ जाइए कोई ना कोई टैक्सी, कोई ना कोई टेम्पो रोकेगा आपको, शॉर्टकट मारे के यहाँ से निकलेंगे, लेकिन यहाँ भी टेम्पो टेम्पो तो आ गई, क्या बोले भाई। गाइस फल खाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, जेब में पैसा नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जिंदगी पूरा वो हो गई। ओए बच्चा, क्या बोले, आजकल का बच्चा लोग भी ऐसा सपना में खोया रहता है, तो कितना जन्म का आशिक है, बीच रास्ते पे खड़ा होकर सोच रहे, क्या बोले, परेशान हो गए आजकल का जनरेशन से, हम परेशान हो गए,
हालांकि हम भी इसी जनरेशन के हैं लेकिन हम थोड़ा सरी। गाइस ये हाड़ीपाड़ा इलाका हो गया डॉक्टर ले, यहाँ से अब हम सीधा मेन रोड राम लेन लेंगे और वहाँ से रिफंड शिट होकर सीधा करते हैं। गाइस गाइस आप मानोगे नहीं, लोग पब्लिक मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे वो क्या बोले मैं उनका बेटी लेके भाग गया हूँ, मैं ऐसा देख रहे थे यार। वी आर इन रिपन स्ट्रीट आवर एरिया, तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों का आज का मोटो ब्लॉग सेशन कैसा लगा। फर्स्ट अटैम्प्ट था ब्लॉगिंग का, ये दूसरा अटैम्प्ट था बट मोटो ब्लॉग का ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो प्लीज़ आप लोगों को सजेशंस की बहुत ज़रूरत है मुझे। I'm just making this vlog for you guys only and also for myself but mainly for you guys. I'm just checking out some time from my hectic schedule and doing this for you guys. So I hope you all will like it and channel pe naya aaye ho to subscribe karo, like karo, video dekho, like karo, share karo friends ke saath aur enjoy karo.